नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और आप लोग देख रहे हैं टेक चला यूट्यूब चैनल। बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, यस्टरडे को महान सिंगर के की मौत हो गई है। उसकी अचानक डेथ से पूरा देश शोक में चला गया है, शोक की छाया में घिरे हुए है। ऐसे वो इस तरीके से हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ये विश्वास नहीं होता है। इंडिया का जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो म्यूज़िकल महाजगत है, उस महाजगत में से एक स्टार टूट गए हैं दोस्तों। उस स्टार को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका जो गाया हुआ गीत है, वो जो स्वर्ण गीत है, 90s का जो मेलोडी उसने हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, वो रह जाएगा हमारे साथ, हम लोगों की यादों के साथ, हमारे और आपके दुखों के साथ ही, इमोशन के साथ ही, वो सब गीत रह जाएंगे हमारे साथ आजीवन काल तक। आज का ये वीडियो का बनाने का मेरा मेन मोटिव है केके के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना। कौन था ये केके? कौन सा फिल्म से ये प्लेबैक सिंगिंग शुरू किया था? इसका बचपन कैसा था? इसका वाइफ का नेम क्या है? इसका ओरिजिनल नेम क्या है? और कौन सा कॉलेज से इसने अपना हायर एडुकेशन किया था? आज इसी बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं केके के बारे में, जानते हैं उसकी बायोग्राफी। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, केके का फुल फॉर्म है कृष्ण कुमार कुन्नाथ, निकनेम केके। प्रोफेशन में ये तो प्लेबैक सिंगिंग करते थे और इसके साथ कंपोज़र भी थे और लिरिक्सिस्ट भी थे, मतलब ये गाना वाना भी लिखते थे। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 165 सेंटीमीटर हाइट थे इसका, और इंचेस में अगर बात की जाए तो 5 फीट 5 इंच का इसका हाइट थे। वेट थे अप्रॉक्सीमेट 65 केजीज। बॉडी चेस्ट 40 सेंटीमीटर, वेस्ट 32, और बाइसेप्स 12 सेंटीमीटर का था। आई कलर ब्लैक में थे, टिपिकल इंडियन कलर जो होता है वो, और हेयर कलर भी ब्लैक था। इस महान हस्ती का जन्म हुआ था दिल्ली में 23 अगस्त 1968 को। केके की जोडियक साइन भड़गो था और इसका होम टाउन दिल्ली, इंडिया। इसने बचपन की पढ़ाई माउंट सेंट मैरिज स्कूल दिल्ली से कंप्लीट किया था इन्होंने। ये जो यूनिवर्सिटी से अपना हायर स्टडीज़ को कंप्लीट किया था वो था किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, इंडिया। के ग्रेजुएट थे कॉमर्स में। और इसकी अगर सिंगिंग करियर की बात की जाए तो ये बहुत सारा फिल्मों में, सिर्फ हिंदी नहीं, ये बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में इसने गाना गाया है। अगर फिल्म डेब्यू की बात की जाए तो ये कॉलेज स्टेलिस जो गाना था, उस गाने से इसने प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट किया था। म्यूज़िक कंपोज्ड बाय एआर रहमान। अगर फैमिली की बात की जाए तो इसका पिताजी का नाम था सीएस नायर एंड इसकी मदर का नेम था कुन्नत कन्नवल्ली। खाने में दोस्तों, ये साउथ इंडियन डिशेज बहुत पसंद करते थे, क्वेश्चंस, बेक्ड डिशेज एंड पेस्ट्रीज। इसकी अगर फेवरेट एक्टर्स की बात की जाए, कौन सा एक्ट्रेस इसका फेवरेट थे, उस लिस्ट में शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार एंड इरफान खान थे। वैसे तो ज़्यादा ये इमरान हाशमी की गाने में ज़्यादा प्लेबैक सिंगिंग की है, लेकिन वो भी उनका बहुत चाहिदा एक्टर थे। फेवरेट एक्ट्रेस में ऐश्वर्या राय, करीना कपूर एंड रवीना टंडन। फेवरेट सिंगर इसमें, इस लिस्ट में ए आर रहमान है, क्योंकि ए आर रहमान के गाने से ही उसने अपना पहला डेब्यू किया था। हरिहरन, शान, प्रीतम, मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन, किशोर कुमार। हॉलीवुड में अगर बात की जाए तो माइकल जैक्सन, बेली जोएल एंड ब्रायन एडम्स इसके फेवरेट चहीदे सिंगर्स में से एक थे। दोस्तों, इनका वाइफ का नाम ज्योति है और इसकी शादी हुई थी इन द ईयर ऑफ 1991। चिल्ड्रेन मतलब इसका जो ओनली सन है उसका नाम है नुकुल कृष्णा एंड इसकी डॉटर का नाम है तमन्ना। दोस्तों, अगर सैलरी की बात की जाए तो ये हर गाने के लिए 3 लाख INR अर्थात इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपया इसका सैलरी थे। और कुछ अननोन फैक्ट्स की बात की जाए तो केके ने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग म्यूज़िक का उसने नहीं लिया है, कभी किसी से उसने सीखा नहीं है। उसने 4 साल के अंदर करीब 3500 जिंगल्स 11 इंडियन लैंग्वेजेस में उसने रिकॉर्ड किया है दोस्तों। और वो बहुत श्रद्धा करते थे मेंटर लेस्ली लुइस को, जिसने उसे फर्स्ट जिंगल में गाने के लिए चांस दिया था। बहुत सारे महान सिंगर, गीतकार और कंपोज़र थे जो लोग केके की
वॉइस क्वालिटी और केके की नॉलेज ऑफ म्यूज़िक को बहुत श्रद्धा करते थे। 2013 में केके ने एक इंटरनेशनल एल्बम रिलीज़ किया था। एल्बम में गाना गाए थे जिसका नाम था राइज अप द कलर ऑफ पीस। उसमें टर्किश पोएट फुतेल्ला गुलेर की गान भी शामिल थे और जिस एल्बम में टोटल 12 कंट्रीज का महान महान गीतकार ने गाया था। और एक मज़ेदार बात है केके के बारे में, केके ने तन्हा चला करके एक पाकिस्तानी टीवी शो द घोस्ट, इसमें एक गाना गाया था जो हम टीवी में 2008 में रिलीज़ हुआ था। केके ने बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल के लिए भी गाना गाए हैं, जिसमें से मोहब्बत, कुछ झुकी सी पलके, हिप हिप हरी, जस्ट डांस ये शामिल है। केके ने 500 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाना गाए हैं और 200 से ज़्यादा तेलुगु में और बंगाली, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में भी बहुत सारे गाने गाए हैं। दोस्तों 2004 में झंकार बीट्स के गाने तू आशिकी है, इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, टू स्क्रीन अवार्ड और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, इसका अवार्ड भी उसको मिला था। तो दोस्तों ये था कुछ जाने अनजाने सी बातें केके के बारे में। केके अभी केके हमारे बीच में अभी नहीं है, वो जहाँ भी है हम लोग उसकी आत्मा के लिए शांति की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे शांति से रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले।